सोनीपत के नेशनल हाईवे भीगान टोल प्लाजा पर एक बार फिर से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां एक महिला टोल कर्मी जब एक कार चालक से टोल टैक्स अदा करने की अपील करने के लिए कार चालक के पास गई, तो उसको कार चालक ने बदतमीजी करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। जिस मारपीट करने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जहां टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि काफी लोग इकट्ठे हो गए और हंगामा भी हो रहा है। महिला टोल कर्मी पूजा नाके के बूथ नंबर 20 पर ड्यूटी दे रही थी कि वहां दोपहर को करीब 1:30 बजे दिल्ली नंबर की एक कार पहुंचती है, जिसका फास्टैग ब्लैकलिस्ट पहले से ही हो रहा था। उसमें कुछ भी बैलेंस मनी नहीं थी। महिला टोल कर्मी ने उनसे टोल टैक्स भरने की बात कही तो उनसे मारपीट शुरू हो गई। अब इस मामले में पीड़ित महिला टोल कर्मी ने मुरथल थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।